देखो अभी जो है मैं आपके सामने जो मौजूदात हैं उनके ऊपर कुछ बात करना चाहता हूँ। आज जो बड़ा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इंतखाबात का, उसके बाद जिस तरीके से हमारे जामपुर के इंतखाबात में जो धांधली की इंतहा हो गई है उसके ऊपर जो है वो कुछ गुफ्तगू जो है वो मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमने देखा कि किस तरीके से जो पीडीएम की हुकूमत है वो अदलिया के साथ एक मुकम्मल महाजराई में दाखिल हो गई है। ये मसला किसी एक जज का या दो जजों का नहीं है, ये मसला इंस्टीट्यूशन का है। और हमने ये देखा है कि अदलिया को भरपूर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और मरियम नवाज का यह ख्याल है कि वो जजों को गालियां निकाल कर अदलिया को दबाव में ले आएंगी। इससे पहले उन्होंने जब गुजरांवाला में नवाज शरीफ ने तकरीर की उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के ऊपर और फौज के ऊपर, और उसके बाद वो दबाव में आ गए, इनका ख्याल है कि इस तरह से वो जुडिशरी को भी दबाव में ला सकते हैं। और ये इनका एक बेहुदा जो स्कीम है कि अपनी कारकर्दगी को दूसरों को गालियां निकाल के वो समझते हैं कि उससे छुप जाएगी, ये नहीं होने वाला। इससे पहले हमें याद है कि जब चौधरी परवेज इलाही साहब की चीफ मिनिस्टरशिप का मामला था जहां पर 10 वोट जो पीएमएलक्यू के थे वो शुमार नहीं किए गए और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उस वक्त भी मरियम नवाज एंड कंपनी ने जुडिशरी के खिलाफ एक बड़ा महाज खोला था। आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ और जो बाकी जजेस हैं उनके खिलाफ एक बड़ा महाज खोला जा रहा है और खोल दिया गया है। मैं आपको यहां पे ये बताना चाहता हूं, याद कराना चाहता हूं कि जो 5 जजेस जिन्होंने कासम सूरी साहब की रूलिंग को सेटिसाइड किया था वो 5ों जजेस इसी बेंच में भी शामिल। और हमने तो नहीं कहा कि जिन्होंने हुकूमत, ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर कायम है जिसके जरिए कासम जूरी साहब की जो रूलिंग है उसको सेटिसाइड किया गया था। ये जो हुकूमत है इसकी बुनियाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर है। अगर वो कासम जूरी साहब की रूलिंग के ऊपर आर्टिकल 69 पाकिस्तान के आइन का कहता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी, अगर वो आर्टिकल 69 की लिटरल डेफिनेशन करते और उस रूलिंग में दखल ना देते तो ये हुकूमत ही ना होती। और वो 5 जजेस जिन्होंने वो रूलिंग दी वो इस बेंच का हिस्सा है। उस वक्त भी हमारे वकील ने ये कहा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब मेहरबानी करें, बड़ा अहम केस है, फुल कोर्ट तश्कील दे इसके लिए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट तश्कील नहीं दी। उसके बाद तरीके इंसाफ ने जलसों में जाके चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर और जजेस के ऊपर एक मुहिम नहीं शुरू कर दी। ये जो 5 जजेस हैं जो इस बेंच में शामिल हैं और जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान शामिल हैं, इन्होंने वो रूलिंग दी थी लेकिन हमने तो उनके खिलाफ कोई महाज नहीं खोला। हमने तो जो बाकी जजेस हैं उनके खिलाफ भी कोई महाज नहीं खोला। और उसके बाद जो हमारे साथ हुआ, जब आजम सवाती साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आजम सवाती साहब को अदालत में बुलाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि शहबाज गिल को शदीद टॉर्चर का निशाना बनाया गया और उस जज ने शहबाज गिल को दोबारा उन्हीं लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने टॉर्चर किया था और हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। इमरान खान साहब को कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो गया और वो जो पूरा कंटेम्प्ट चला आपके सामने वो आपके सामने है, लेकिन हमने अदलिया को निशाना नहीं बनाया। लिहाजा अगर हम इदारों को, अगर एक सियासी जमात
दूसरी सियासी जमात, तीसरी सियासी जमात चीफ जस्टिस को इंस्ट्रक्शन देगी कि आपने ये बेंच बनाना है, ये नहीं बनाना, इस तरह करना है, उस तरह नहीं करना, फिर तो मुल्क जो है वो उसमें निज़ाम ही नहीं चलेगा। लेकिन मरियम नवाज का ये ख्याल है और नून लीग का ये ख्याल है कि वो जुडिशरी को ब्लैकमेल कर सकते हैं, और इस वक्त पूरा पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग का सामना कर रहा है। किसी की ऑडियो निकाल दो, किसी की वीडियो निकाल दो, किसी को बुला के थ्रेट कर दो, किसी के ऊपर बगावत के केसेस बना दो, पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन को, पूरी आबादी को इस वक्त एक ब्लैकमेलर गवर्नमेंट का, एक ब्लैकमेलर माफिया का सामना है। आज बताया जा रहा है कि जज साहब की ये जो ऑडियो लीक हो गई, ऑडियो क्या थी जी, कि जज साहब जो हैं वो लाहौर में जा रहे हैं, पुलिस वाले से उनका झगड़ा हो गया, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं बड़ी माजरत चाहता हूं, मैं आ रहा हूं, और उसके ऊपर जो है वो ऑडियो ली। ये ऑडियोस हम उस वक्त कह रहे थे जब इमरान खान साहब की और फर्स्ट लेडी की टुकड़े जोड़ के ऑडियो रिलीज की जा रही थी, हम उस वक्त बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट को और जज साहबान को और पाकिस्तान में कि ये ट्रेंड बड़ा तबाहकुन है। अब क्या किया जाता है, आप सबकी जो भी कुछ थोड़ा सिग्निफिकेंट आदमी है उसकी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, और उसके बाद उन ऑडियोज और वीडियोज के टोटे बना के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ हिस्सों से जोड़ के रिलीज कर दिए जाते हैं, और उसके बाद डीप फेक टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है। और एक इससे पहले जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो के ऊपर एक तमाशा लगाया गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, वो जज साहब जिन्होंने ऑडियो में ये एफिडेविट दिया था वो आके माफी मांग गए, लेकिन बदकिस्मती से उन जज साहब को और उस ग्रुप को जिस मीडिया ग्रुप ने ये उठाया था और जिस सहाफी ने ये उठाया था सजा नहीं मिली। अगर उनको सजा दे दी जाती, अगर उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता, पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर होती, लेकिन लगता यूं है कि यहां पे पिक एंड चूज चलता है। इमरान खान के लिए कानून और है, मरियम नवाज के लिए कानून और है, बाकी पार्टी के लिए कानून और है, बाकी किसी पसंद नापसंद की बात और है। तो इसलिए सबसे अहम ये है कि पाकिस्तान की अदलिया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है, किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए, पाकिस्तान के जजेस आइन के साथ खड़े हों। ये आज जस्टिस मुनीर मूवमेंट है पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए। पाकिस्तान के दो स्पीकर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर आज अपनी दरखास्त लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े, जिस तरह मौलवी तमीजुद्दीन दरखास्त लेके अपनी उस वक्त की फेडरल कोर्ट के सामने खड़े थे। और अगर आज जुडिशरी आइन के साथ नहीं खड़ी होती तो इसका मतलब यह है पाकिस्तान का आइन बरकरार नहीं रहेगा, और पाकिस्तान का आइन बरकरार नहीं रहेगा तो ये आखिरी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर कंसेंसस है पाकिस्तान में, जिस पे इत्तफाक़े राय है पाकिस्तान में, वो भी ना रहा तो फिर पाकिस्तान की रियासत का ही नहीं, मुआशरे का भी हमें नहीं पता कि क्या हशर नशर होगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को मैं ये कहता हूं, ना वो किसी एक ग्रुप की बात सुने, ना वो दूसरे ग्रुप की बात सुने, आजादाना फैसले करें और आइन के मुताबिक आगे बढ़े। पूरी कौम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को देख रही है, पूरी कौम पाकिस्तान के आइन का तहफ्फुज चाहती है सुप्रीम कोर्ट से, और ये इसी आइन का तहफ्फुज है कि जिसके लिए हमारी लीडरशिप जो है वो गिरफ्तारियां दे रही है। लाहौर में शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने, उमर चीमा साहब ने, मुराद रॉस ने और बहुत दोस्तों ने, जो 77 के करीब अब लोग हैं, उन्होंने गिरफ्तारियां फॉर्मलाइज हुई, 714 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी पहले, उनको जगह ना होने की वजह से बहुत सारों को छोड़ दिया गया, फिर अगले दिन सुबह 214 लोग जो थे वो गायब थे, और अब फॉर्मली इस वक्त 77 लोग जो है वो डिटेंशन में हैं, जिनमें हमारी टॉप लीडरशिप शामिल है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि आज 3 दिन हो गए हैं तकरीबन, उनकी फैमिलीज को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया, वो
खाना पहुंचाने के लिए जो हमारी लीडरशिप जा रही है उनको खाना भी देने की सहूलत नहीं है, उनको कपड़े भी देने की सहूलत नहीं है। फ्राई पैन शायद दे दिया हो, कपड़े नहीं है तो चले इस्त्री कर लें, क्योंकि मरियम नवाज के पास तो चूल्हा भी था और फ्राई पैन भी था, लेकिन इनको भी ये सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। तो असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी मेडिसन भी उन तक जो हैं वो 48 घंटे तक नहीं पहुंची। अब सुप्रिंटेंडेंट जेल ने वादा किया जी हमें पहुंचा दें, हम मेडिसिन पहुंचा देंगे। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ये सियासी कैदी हैं। हम ये नहीं कह रहे आपने इनको कल रिहा करें, आज रिहा करें, लेकिन जेल मैनुअल में जो हकूक हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स के, सियासी कैदियों के, वो तो उनको दें। हमारे जो कारकुनान हैं उनको बैरिक्स में बंद किया हुआ है, उनको क्रिमिनल्स के साथ रखा हुआ है, क्या वो सियासी कैदी नहीं है? उनको खाना हम देर पहुंचवाने चाहते हैं, हमारी तंजीमें उनको खाना नहीं पहुंचवाने दिया जा रहा। तो ये और कहा ये जा रहा है जेल अथॉरिटीज जो हैं वो बेबस है, और ये मैं समझता हूं जिस तरह से उनको दूर दराज इलाकों में भेजा गया, टेररिस्टों की तरह उनको बसों में डाल के दूर दराज इलाकों में भेजा गया, जो लोग यहां पे ताकतवर हैं उनके ऊपर ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन ये जो मोहसिन नकवी की हुकूमत है पंजाब में, ये जो नून लीग की एक्सटेंशन है, और जो बुनियादी तौर के ऊपर एक रियल एस्टेट माफिया की हुकूमत इस वक्त जो पंजाब में चल रही है, जिसमें सारे प्रॉपर्टी डीलर और पैसे देके लगे हुए वजीर बैठे हैं, और खुद मोहसिन नकवी, उन्होंने ये जो जुल्म उठाया है हमारी लीडरशिप के ऊपर, ये नाकाबिले कबूल है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। कल पेशावर के लोगों ने तारीख रकम की, जहां पे हजारों लोग गिरफ्तारी के लिए बाहर निकले, और उन हजारों लोगों को देख के पुलिस ही वहां से चली गई और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। आज इस वक्त रावलपिंडी में जेल बचाओ तहरीक चल रही है, और अभी तक जो मेरी इत्तलात है 81 लोग वहां पे गिरफ्तारी दे चुके हैं, जिसमें जुल्फी बुखारी शामिल हैं, जिसमें फयाजुल हसन चौहान शामिल हैं, जिसमें शेख राशिद शफीक शामिल हैं, और जिसमें बाकी लोग जो हमारी लीडरशिप है वो शामिल है, और उनकी इस वक्त भी हजारों की तादाद में रावलपिंडी शहर में लोग गिरफ्तारियां देने के लिए बाहर निकले हुए हैं, गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। ये वो लोग हैं जो हथकड़ी को चूम के पाकिस्तान में आज़ादी की बुनियाद रखना चाहते हैं। मैं इन तमाम कारकुनान को सलाम पेश करता हूं, और इंशाल्लाह ताला बारी बारी हम सब लोग भी वापस जेल जाएंगे, हमारे इलाकों की बारी जो ही आएगी उसके मुताबिक जो है वो हम सब लोग भी जेलों में जाएंगे। और अभी तक हमने हाईकोर्ट से या अदालतों से कोई रिलीफ नहीं ये मांगा कि इनको रिलीज किया जाए, हमने ये रिलीफ जरूर मांगा है कि इन लोगों को जेल में जो सहूलतें हैं जो कानून में वो बताए तो वो दी जाए, जो इनके ऊपर जराइम लिखे लगाए गए हैं उनकी तफसील दी जाए, और बताया जाए कि कौन कहाँ पे है। ये मिसिंग पर्सन तो नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको इसके मुताबिक जो है वो राइट दिया जाए। और तीसरा, अब मैं आना चाहता हूँ जामपुर के इलेक्शन की तरफ। जाफर लगारी साहब की के इंतकाल से जामपुर की सीट खाली हुई है। अवैस लगारी साहब के साहिबजादे वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अवैस लगारी फारूक लगारी साहब के बेटे हैं। फारूक लगारी साहब अपने इज्जत एहतराम के लिए मशहूर थे, अपनी म्याना रवि के लिए मशहूर थे, लेकिन ये साहब पता नहीं किसके ऊपर चले गए हैं। इन्होंने जो जुल्म का बाजार वहां पे गर्म किया है, अपने खानदानी रवायात को भी इन्होंने खत्म किया है। इन्होंने जो डेरा गाजी खान के लोग हैं उनको भी जो है वो जुल्म की चक्की में डाला है। लगारी खानदान का एक जैयद मोहसिन लगारी वहां पे इलेक्शन लड़ रहा है, और इन्होंने अपने ही खानदान के लोगों के खिलाफ बदतरीन तशद्दुद और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इंतहा की हुई है। अब तक सैकड़ों FIR जो हैं वो दर्ज कर दी गई हैं। हमारे जो नाजम जो जिन्होंने एक मीटिंग करवाई मोहसिन लगारी साहब की, उनकी 5 मुरब्बे जमीन के ऊपर पहले ट्रैक्टर चलाया गया, और अब उस जमीन की उनकी खड़ी गंदम जो है वो ये लेके चले गए। इस कदर जुल्म की इंतहा कर दी गई है
जो वहाँ पे मार्केट कमेटी का, जो वहाँ पे अंजुमन ताजरान के लोग, जो भी पीटीआई की मीटिंग करा रहा है उनको उठा लिया जाता है, उन पे पर्चे किए जाते हैं। और बदकिस्मती से ये भी इतलात हैं कि उनमें लोकल पुलिस के साथ साथ लोकल एजेंसीज के लोग भी उसमें मुलव्वस हैं। अगर पाकिस्तान के लोगों को इस तरह से हकूक रोके गए, अगर पाकिस्तान के लोगों को इस तरह से वोट के हक से महरूम किया गया, पाकिस्तान में एक बहुत बड़े क्राइसिस की इब्तिदा होगी और वो क्राइसिस फिर रुक नहीं सकेगा। इसलिए तमाम नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं, तमाम नज़रें इस वक्त इस बात के ऊपर है कि आइन की हुक्मरानी होती है या नहीं होती। और इंशाअल्लाह ताला अल्टीमेटली लोगों ने जीतना है। हल्के खुदा के आगे ना कोई पहले ठहरा है ना इंशाअल्लाह आगे को ठहर सकेगा। शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकाम होते हैं उनमें पसंद नापसंद की बात नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो फाइनल होता है, उसको जो है वो आपने मानना होता है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये अगर हुआ तो ये बड़ा अनोखी सी बात होगी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि 5 साल से पहले फिर कोई एमपी इस्तीफा या एमएनए इस्तीफा ही नहीं दे सकता, और अगर कोई मर जाए तो फिर उसको क्या करेंगे हम। तो अगर 5 साल से पहले कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर तो मतलब आप ये तो फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से तो बहुत बड़ा डिपार्चर होगा। अभी तो उन्होंने सवाल किया है, अभी जवाब तो आने हैं। जेल भर तहरीक का ऐलान तो किया, लेकिन पंजाब से भी अब देखा कि आपके लीडरान पकड़े गए, लेकिन पिशावर में लोगों को जो है वो लोग आए नहीं वहाँ पे और वो खौफ के मारे चले गए। और दूसरा ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट का काम है इलेक्शन की तारीख देना या इलेक्शन या जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है उसका काम है तारीख देना इंतखाबात? देखिए, पहली बात तो यह है कि काम तो इलेक्शन कमीशन का ही है कि वो इलेक्शन करवाए और तारीख दे, लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त पीडीएम की मुंशीगिरी में बिजी है। वो वहाँ से अपना इस्तीफा देगा तो कोई काम करेगा? लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो मेम्बरान हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में नफरत की अलामत है। लोग उनसे नफरत करते हैं, वो जहाँ जाते हैं वो अकेले खड़े नहीं हो सकते, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये उनको बताना पड़ेगा कि उनके आईनी फराइज जो है वो क्या है। पिशावर में बिल्कुल आपने सही कहा, वहाँ पे हज़ारों लोग निकल आए जिसके बाद पुलिस जो है वो वहाँ से चली गई और वहाँ पे गिरफ्तारियाँ वो नहीं कर सकते। नून लीग के कुछ अकाउंट्स सोशल मीडिया पे जजेस के खिलाफ नहीं चला रहे हैं, हमारे जो अदारे हैं साइबर क्राइम के वो क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, वो क्यों खामोश बैठे हैं? सबसे ज़्यादा अकाउंट जो रीट्वीट्स कर रहे हैं वो तो मरियम नवाज़ का अपना अकाउंट है, और मरियम नवाज़ इस सारे जो जजेस के खिलाफ जुडिशरी के खिलाफ जो कैंपेन है उसको लीड जो है वो मरियम नवाज़ कर रही हैं। और जो आपने कहा कि साइबर क्राइम, देखिए साइबर पाकिस्तान में कानून सिर्फ कमज़ोर को पकड़ता है, उसके लिए कमज़ोर होना ज़रूरी है, आपका मिडिल क्लास का होना गरीब होना ज़रूरी है, और ऐसा होना और आपका पोजिशन से ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। ये 3-4 इंग्रेडिएंट्स होंगे तो कानून और साइबर क्राइम वगैरह आपके ऊपर आएगा, वरना तो आपकी मौज है। तो मरियम नवाज जो मर्जी करें। अच्छा, एक सवाल है कि आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी फिर फेज 1 का ऐलान किया गया था कि फेज 1 में हम इतनी गिरफ्तारियां देंगे और 3 शहरों में आपने जो है 9 शहरों तो सूरत हाल देख ली है, तो फेज 2 होगा या आप लगता है ये तहरीक कामयाब हुई है? परवेज इलाही भी जो है गिरफ्तारी देंगे जेल भरो तहरीक में? 9 शहरों में जो जेल भरो तहरीक है वो 9 डिस्ट्रिक्ट 2 डिवीजन जो है उनमें पहले है, और ये तहरीक अब तक जो है इसने हुक्मरानों के छक्के छुड़ा दिए हैं, और लोगों ने जिस तरह अपने खौफ का बुत तोड़ा है और जिस तरह हज़ारों की तादाद में लाहौर में पिशावर में और आज रावलपिंडी में लोग निकले हैं, हम इन पॉलिटिकल वर्कर्स को सलाम पेश करते हैं। ये वो वर्कर्स हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ घर पे बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर ही नहीं सिर्फ हारिफ की तनकीद कर रहे, ये वो लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ के इस आज़ादी की बहम में इस आज़ादी के और आइन की पासदारी के लिए अपने आप को पेश किया। तो ये तमाम कारकुन बहुत काबिल एहतराम है, और इंशाल्लाह ये जो दूसरा मरहला होगा ये मुल्कगीर होगा, और उस मुल्कगीर मरहले की भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि परवेज इलाही भी जो है जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी देंगे? बिल्कुल, परवेज इलाही साहब भी देंगे, जब गुजरात की बारी आएगी परवेज इलाही साहब भी। आप कब दे रहे हैं गिरफ्तारी? जब जेल में वो अभी तो आए हैं वापस। मेरे बाबा जी 400 किलोमीटर से मुझे